शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया में मनाया हनुमान अष्टमी का पर्व। हनुमान मंदिरों में विभिन्न प्रकार के हुए आयोजन। खेड़ापति मंदिर में की गई विशेष साज सज्जा, साथ भगवान हनुमान जी का विशेष श्रृंगार। खेड़ापति हनुमान मंदिर पर कन्या भोजन एवं आरती का हुआ आयोजन। नगर के युवा व समाज के वरिष्ठ जनों ने कन्याओं को तिलक व पूजन कर लीड और कॉपी के साथ दक्षिणा दी। रायसेन जिले के उदयपुरा में 18 पुराणों का लिया गया संकल्प। 13वां महापुराण में श्री राम कथा एवं विशाल रुद्री शिवलिंग का किया निर्माण। कोरोना काल के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा रुद्री शिवलिंग का कराया जा रहा निर्माण। कड़कड़ाती ठंड में भी आस्था की आग अब सब फेल है। हजारों श्रद्धालु कर रहे सवा करोड़ रुद्री शिवलिंग का निर्माण। रोजाना 11 लाख से अधिक रुद्री शिवलिंग का हो रहा निर्माण और 3 दिन में 1.25 करोड़ से अधिक रुद्री शिवलिंग निर्माण कराने का लक्ष्य। जब कोरोना महामारी आई थी, प्रथम पंक्ति में रह के हमने जब अपनी सेवाएं दी हैं, वो समय बहुत ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगी का अविस्मरणीय रहा है और दर्दनाक भी रहा है। कई लोगों ने अपनों को खोया है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह की महामारी या इस तरह की दुविधा को ये संसार दोबारा झेले। ये विश्व किसी भी महामारी से मुक्त रहे, सिर्फ कोरोना या ओमिक्रॉन नहीं। हम अपनी सेवाएँ देने के लिए तो तत्पर हैं ही, किंतु यहाँ महाकाल से, महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे उदयपुरा नगर पर अपनी कृपा बनाए रखें और संपूर्ण विश्व को स्वास्थ्य लाभ दें, धन संपत्ति सभी चीजों। हाँ, जिस संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, सुबह 6 बजे से लोगों का आना प्रारंभ हो जाता है और रुद्री निर्माण प्रारंभ हो जाता है, तो हम 1 करोड़ के ऊपर रुद्री निर्माण कर ही चुके हैं, जबकि अभी 2 दिन शेष हैं। 2 दिन में, कल जैसे सोमवार है, आप सभी जानते हैं शिव जी का दिन है, तो कल तो श्रद्धालुओं की संख्या भी और भक्ति भी देखने के लायक होगी। और इतना ज़्यादा जन समुदाय श्रद्धा के साथ आ रहा है, रुद्री निर्माण कर रहा है कि हम कहीं ज़्यादा चले जाएंगे। हमने जो लक्ष्य रखा है, लक्ष्य से कहीं ऊपर रुद्री निर्माण होगा यहाँ। अविस्मरणीय बारात जो निकली है श्री रामचंद्र की, वो तो बहुत ही भव्य था अपने आप में। और बहुत आस्था है यहाँ लोगों में, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। पूजन की सारी सामग्री यहाँ से दी जा रही है और अपने अपने रुद्री निर्माण करने के बाद मंत्रोच्चारण जो माइक से होता है, उसके अनुसार सभी अपनी भक्ति भाव से और बिल्कुल नियमानुसार पूजा कर पा रहे हैं, तो आस्था तो ईश्वर के प्रति बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस बात से बिल्कुल आपके तालमेल वो रखते हैं कि ईश्वर की आस्था और ईश्वर की भक्ति का ये बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। माँ नर्मदा का तटीय क्षेत्र भी है, तो यहाँ पे महामारी का असर बहुत कम रहा है। और लगभग 12 वर्षों से यहाँ रुद्री निर्माण का कार्य चल रहा है और ये 13वां वर्ष है। यहाँ रामकथा हो रही है और रुद्री निर्माण के लिए इतने भक्त आ रहे हैं कि गिनती नहीं है। हम कह रहे हैं हजारों में, लेकिन यहाँ तो मतलब पूरा पंडाल इतनी उससे भरा रहता है श्रद्धालुओं का, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आगे। भोलेनाथ से आस्था है कि ये महामारी जो आई है उससे कोई भी अब जनहानि ना हो, इतने दोबारा आए ना, जनहानि ना हो, किसी का कोई अपना ना जाए, सभी तरीके की सब अपने अपने तरी मतलब अपने उससे पूजा सामग्री और सब उपलब्ध कराते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है, और सभी को सारा पूजा सामान मिल भी जाता है। यहाँ पे पूजा के लिए सामग्री, मिट्टी, सभी चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ के पूरे 1 करोड़ से ऊपर तो हो ही चुका है और 2 दिन में लक्ष्य हो ही जाएगा पूरा। रीवा जिले में एक ही भूमि पर 5 वर्ष के अंदर दूसरी बार कराए गए सीमांकन को लेकर पीड़ित भूमि स्वामी ने न केवल चुनौती दी है बल्कि इसे निरस्त करने की मांग भी उठाई है। इस मामले को लेकर पीड़ित शहीद अंसारी पुत्र हाजी अब्दुल अजीज निवासी ग्राम कहरिया नंबर 1 ने रविवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर सीमांकन के मुद्दे को लेकर अपना पक्ष रखा। बैतूल जिले के मुलताई थाना परिसर में एसआई के अभद्र व्यवहार से नाराज पत्रकारों ने एसडीओपी को दिया आवेदन। एसडीओपी से मामले में थानिक कार्रवाई की मांग। आज हम लोग मुलताई थाने में रोज की तरह जो है रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे। हम लोग न्यूज़ चैनल से है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, जिसमें हमको वीडियो की ज़रूरत पड़ती है कोई भी घटनाक्रम होता है, तो हम उसी का एक बाइक चोरी हुई थी मुलताई में, उसका एक वीडियो बना रहे थे थाने के बाहर, थाना परिसर में। तो वहाँ पर पदस्थ जो हेड मोहरीर है महेश मदानी द्वारा हमें रोका गया और उनके द्वारा कहा गया पहले परमिशन लेकर आइए, उसके बाद आप न्यूज़ वीडियो बनाइए, या थाना परिसर में आप वीडियो नहीं बना सकते। और ये आज ही नहीं, हमारे पत्रकार साथियों के साथ में लगातार इस तरीके से उनका व्यवहार रहता है और लगातार वो हमारे पत्रकार साथियों को रोकते टोकते रहते हैं और उनको मना करते हैं कि यहाँ पर आप वीडियो नहीं बना सकते, जबकि इंडियन कानून में, भारतीय संविधान में और किसी भी कानून में सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह का कोई वीडियो बनाने से कोई रोक नहीं सकता। श्री उमिया माताजी संस्थान उगिया गुजरात द्वारा माँ उमिया की माताजी की 1001 मंदिर बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें मध्य प्रदेश की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान धार जिले के ग्राम धामदा, अमोदिया एवं खाचरोद में 3 जगह मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे।
की प्रतिभा बढ़ाने के लिए आज से 2 साल पहले लक्ष्मी महज में बनाया कि जिस सारे विश्व ने जिसकी नोट ली और 65 लाख लोग आए और इतनी अच्छी व्यवस्था थी, माइक्रो प्लानिंग था, किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ऐसा पूरी सत्ता के साथ ये लक्ष्मी महज में परिपूर्ण हुआ और 1000 मंदिरों का जो हमने संकल्प किया है वो आप साथ सरकार से ये परिपूर्ण होगा और मध्य परिपाटिया समाज का जो अभी हम जितने गांव में गए इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ हमें जो स्वागत हुआ और जो उत्साह दिखाई रहा है, खास करके नई पीढ़ी में मैं एक नवी चेतना देख रहा हूँ और खूब उज्ज्वल भविष्य है मेरे आने वाली पीढ़ी का। माँ उमिया का आशीर्वाद सदैव आप सबके पहुंचे, यही माँ उमिया को अंतर्कण की मेरी प्रार्थना। मेरा नाम मनी भाई पटेल, अध्यक्ष उमिया माता संतान उंजा। नमस्कार, जय उमिया सबको। आज हम अमोदिया में पधारे हैं, मध्य प्रदेश में समस्त पाटीदार समाज जो कड़वा पाटीदार समाज है, पूरे विश्व में रहते हैं कड़वा पाटीदार की कुल देवी माँ उमिया नीच मंदिर उंझा से आज पधारे हैं मनी भाई मम्मी, प्रमुख श्री मानद मंत्री श्री दिलीप भाई नेताजी, उप प्रमुख श्री गटोर भाई और हमारे साथ हरिद्वार प्रोजेक्ट के चेयरमैन श्री प्रहलाद भाई और बहने और भाई। हम यहाँ पे मध्य प्रदेश के 4 दिन का दौरा है तो आज बहुत खुशी हो रही है आपको कहते हुए कि सुबह से स्टार्ट किया है, सरदारपुर से हमने स्टार्ट किया, अभी ये 7वां गांव है लेकिन सभी गांव में सभी भाई बहन इतने उत्साह से हमारा स्वागत कर रहे हैं और आज हम 1001 मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ साथ पूरे संगठन की भी बात बताऊंगी आपको कि 1001 मंदिर निर्माण के साथ साथ उंझा उमिया माताजी संस्था इस समाज उत्थान के कई सारे संकल्प, कई सारे प्रकल्प वो हमेशा प्रस्तावित कर रहा है। अभी आपकी जानकारी में होगा, थोड़े दिन पहले माननीय अमित शाह जी जो गृहमंत्री गुजरात भारत देश के, उन्होंने भी हमारे जो 16 अहमदाबाद में मंदिर का निर्माण होने वाला है उसका उन्होंने उद्घाटन किया। वैसे ही पूरे विश्व में जो कड़वा पाटीदार के मंदिर बन रहे हैं वहां पे हम एक महिला के तौर पे, मेरी जिम्मेवारी है समस्त कड़वा पाटीदार समाज का महिला अध्यक्ष में डॉक्टर जागृति पटेल, आज आप सबको विनती भी करती हूँ कि जो जो हमारी महिलाएं हैं उसको महिला सशक्तिकरण का भी एक यहाँ से संकल्प हम कटिबद्ध होते हैं कि सभी महिलाओं को भी हम इसके साथ जोड़ेंगे और इसके माध्यम से पूरे समाज का उत्थान होगा, पूरे समाज समृद्ध और सुखी।